लैब्राडोर रिट्रीवर, हाँ ये वही डॉग ब्रीड है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड मुझे भी पता है कि आप लोगों को लैब्राडोर कितने ज़्यादा पसंद है। सो आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि लैब्राडोर का इंडिया में क्या प्राइस है, एंड अगर हम लैब्राडोर को अपने साथ अपने घर में रखते हैं तो हमें महीने का कितना खर्चा आ जाएगा, ये आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। लैब्राडोर के प्राइस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस एक्सेलेंट एंड ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि लैब्राडोर किस टाइप की डॉग ब्रीड है एंड आपके और आपके फैमिली के लिए परफेक्ट है भी या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लैब्राडोर एक मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 55 से लेकर 62 सेंटीमीटर्स तक होती है एंड वेट 25 से लेकर 36 केजीस तक होता है। इनका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 ईयर्स तक होता है एंड इन डॉग्स का ओरिजिन न्यूफाउंडलैंड से है। इन डॉग्स में कॉमन कोट कलर्स होते हैं ब्लैक, गोल्डन एंड ब्राउन। लैब्राडोर्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। लैब्राडोर्स को पानी में खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और ये काफ़ी अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। इन डॉग्स को पहले के टाइम में नदी तालाब में मछलियाँ पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता था। लैब्राडोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड इंटेलिजेंट होने की वजह से इन डॉग्स को पुलिस एंड मिलिट्री में, सर्च एंड रेस्क्यू टीम में, बॉम्ब डिटेक्शन के लिए, इन सारे कामों के लिए इन डॉग्स को जो है यूज़ किया जाता है। लैब्राडोर इंटेलिजेंट होने की वजह से इन डॉग्स को जो है ट्रेनिंग देना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एंड ये जो है चीज़ें जो है काफ़ी जल्दी सीखते हैं। अगर आप अपने डॉग को कोई भी कमांड सिखाओगे तो ये जो है काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें सीखेंगे एंड ये डॉग्स जो है काफ़ी मैच्योरली बिहेव करते हैं एंड इन डॉग्स को वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग्स में से एक माना जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैब्राडोर छोटे बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। इन डॉग्स को सोशलाइज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं एंड ये डॉग जो है काफ़ी शांत होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जो है सोशलाइज करना भी काफ़ी आसान होता है एंड इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आप इनके साथ वॉक करोगे, रनिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आप थक जाओगे बट ये डॉग्स कभी नहीं थकेंगे। इन डॉग्स को अपने ओनर के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलना, छोटे बच्चों के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। लैब्राडोर एज अ फ्रेंडली एंड एज अ फैमिली डॉग ब्रीड कंसिडर किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये डॉग जो है आपके घर को गार्ड नहीं कर सकते। हाँ, ये जर्मन शेफर्ड जितनी अच्छी तरीके से आपके घर को गार्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज जर्मन शेफर्ड जो है एक प्रॉपर गार्ड डॉग ब्रीड है, बट लैब्राडोर जो है आपके घर को ठीक ठाक तरीके से गार्ड कर लेंगे एंड इनको अगर आप एक एज अ गार्ड डॉग भी ट्रेन करते हो तो ये जो है काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग्स भी बन सकते हैं। एंड लैब्राडोर को फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये जो है काफ़ी अच्छे इन नेचर होते हैं एंड बिहेव भी काफ़ी सही तरीके से करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम ओनर हो तो लैब्राडोर आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा रैदर देन अदर डॉग ब्रीड्स। एंड आज के टाइम में आपको ये डॉग ब्रीड इंडिया में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप भी हमारे इस डॉग लवर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करते हैं लैब्राडोर के प्राइस के बारे में। देखो, किसी भी डॉग का प्राइस जो है उसके क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 4-5 हज़ार में भी लैब्राडोर्स मिल जाएंगे बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो वो जो है किसी काम के नहीं होते एंड जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका जो है कलर भी चेंज हो जाता है या फिर उनके टेल जो है हो जाती है तो वो एक लैब्राडोर की अच्छी क्वालिटी नहीं होती। एंड आप जो है सस्ते के चक्कर में कोई लो क्वालिटी की डॉग ब्रीड मत ले लेना। हाँ, तो अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का लैब्राडोर लेते हो तो उसका प्राइस 8 हज़ार से लेकर 12 हज़ार रुपए तक होगा एंड अगर आप हाई क्वालिटी का लैब्राडोर लेते हो तो उसका प्राइस 15 हज़ार रुपए से लेकर 25 हज़ार रुपए तक होगा। अब हम बात करते हैं मंथली कॉस्ट के बारे में। किसी भी डॉग पर होने वाला खर्च सबसे ज्यादा उसके खाने पर होता है। अगर आप अपने लैब्राडोर को स्टैंडर्ड क्वालिटी का डॉग फूड देते हो लाइक पेडिग्री प्रो या फिर ड्रूल्स तो हर महीने 2 से लेकर 2,500 रुपए तक खर्च आएगा उसके खाने पर। वही अगर आप उसे प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड देते हो लाइक रॉयल कैनन तो 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च आएगा उसके खाने के ऊपर। वैक्सीनेशन कॉस्ट सभी डॉग्स के लिए सेम होती है जो कि 500 रुपये से लेकर 900 रुपये तक होती है। ड्यूअर्मिंग कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं, 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है एंड ग्रूमिंग कॉस्ट जो है 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक होती है। अगर हम सभी कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो अगर आप अपने लैब्राडोर को स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड के साथ रखते हो तो 3.5 से लेकर 4 हज़ार रुपये तक आपको महीने का खर्चा आएगा। अगर आप अपने लैब्राडोर को प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड के साथ रखते हो तो उस पर जो है आपको 5 से 6 हज़ार रुपये हर महीने खर्चा आएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो में डिटेल में लैब्राडोर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने डॉग लवर दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।